श्री गोविंद भक्ति चैनल को देखने के लिए परम पूज्य श्री महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ध्रुव जी की छोटी माँ विमाता ने कहा था कि जाओ तुमको पिता की गोद चाहिए, पद चाहिए, तो पहले तप करो और फिर भगवान मिलेंगे तो उनसे वरदान मांगना कि मेरे जैसी माँ के गर्भ से जन्म हो। तो वो पिता की गोदी में बैठने के लिए भगवान का तप करने के लिए गए, पद प्राप्त के लिए। तो अर्थार्थी यानी अर्थ की भी प्राप्ति हुई, पद की भी प्राप्ति हुई और परमात्मा की भी प्राप्ति हुई, उसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु, और जिज्ञासु भक्त कौन है? बोले जिज्ञासु भक्त हैं श्री परीक्षित जी महाराज, श्री अर्जुन भगवान के चरणों में जिज्ञासा करते हैं। परीक्षित भी जिज्ञासा पूर्ण भगवान श्री सुखदेव जी से पूछते हैं। तो भगवान की प्राप्ति की जिज्ञासा हो, तर्क नहीं हो, तर्क और कुतर्क ना होना चाहिए, जिज्ञासा हो, तो वो भगवान का भक्ति का लक्षण है। तीसरे प्रकार का भक्त है जिज्ञासु। और चौथे प्रकार का भक्त है ज्ञानी चाभर्तर शभा। ज्ञानी भक्त कौन है? बोले ज्ञानी नाम जनकादया, जनक राजा आदि ज्ञानी है, राजा जनक, विदेहराज जनक परम ज्ञानी है। उनके ज्ञान के द्वारा उन्हें भगवान भी मिल गए और ज्ञान भी मिला। तो ये चार प्रकार के भगवान के भक्त हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ भक्त तो चारों ही हैं, लेकिन पहला आया आर्थ का नाम आया है, आर्थ भक्त, जो भगवान के चरणों में आर्थ भाव से बैठा हो और आर्थ भाव से प्रभु के चरण कमलों में प्रीति रखे। जैसे आर्थ भाव में द्रौपदी, मीरा ने आर्थ भाव से भगवान को पुकारा, प्रेम भाव और आर्थ भाव से। और द्रौपदी को जब चीर हरण किया गया तो आर्थ भाव से श्री योगेश्वर द्वारकाधीश कृष्ण को ही याद किया, कृष्ण को याद किया, भगवान आ गए। इसलिए भगवान के चरण कमलों में नित्य नियम में आर्थ भाव का भाव होने से भगवान उस भक्त की रक्षा करते हैं। हे नाथ, आपका नाम कभी भूलू नहीं, आपके चरण कमलों में मेरा मन रहे। इसलिए हे नाथ रमानाथ दयानाथ कृपा करो, आपका जन्म भी मंगलमय है, आपका नाम भी मंगलमय है और आपका धाम भी मंगलमय है, आपकी लीला भी मंगलमय है, इसलिए कभी भूलू ना। हे नाथ अर्थ भाव का है, कभी भूलू ना नाथ तुम्हारा नाम कभी, भूलू ना कभी नाथ तुम्हारा नाम कभी, सुबह शाम रटता रहूं, ये आप मेरी प्रार्थना। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, हे प्रभु तुम्हारी याद कभी ना भूलू। याद का उल्टा क्या होता है? दया। तो द्रौपदी जी ने याद किया भगवान को तो भगवान आए। कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमन मेरे राधा रमन, राधा रमन मेरे। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिन अर्जुनः, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भर्तर शभा। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर शभा। तो ये चार प्रकार के भक्त हैं भगवान के, और चारों प्रकार के भक्त भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यही शरणागति का भाव श्रेष्ठ है कि हे प्रभु मैं कभी तुम्हारी याद ना भूलूं, तुम्हारा नाम ना भूलूं। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ो सभी लोग, सीधे बैठो, बोलो हे प्रभु
आपका नाम निरंतर रटता रहूं। हे प्रभु, आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, कृपा करना, दया करना, हमारा मन अपने चरणों में लगाए रखना, आपकी याद निरंतर आती रहे, बस ये प्रार्थना भगवान से नित्य करना चाहिए। वृंदावन के संत ये बड़े सुंदर पंक्तियां गाते हैं, कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, रटूं तेरा नाम में सांझ सवेरे, राधा रमण राधा रमण राधा रमण मेरे। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी, रटू तेरा नाम मैं सांझ सवेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी, रटू तेरा नाम चल नैन कटारे, मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, सिर मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कटारे, मोर मुकुट कानन कुंडल, दो चंचल नैन कमल पे भौरे बने केस लहराए कारे कारे, कमल पे भौरे बने केस लहराए काले काले, मुख कमल पे भौरे बने केस लहराए कारे कारे, जाए प्रकट मम हृदय में, जाए प्रकट मम हृदय में, करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमण मेरे, राधा रमण। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी याद तुम्हारी रटू
तेरा नाम में सांझ सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण सोह रही मोतिन माला अधरों पे मुरली धरा रहे सोह रही मोतिन माला अधरों पे मुरली सजा रहे गल सोह रही मोतिन माला अधरों पे मुरली सजा रहे सोह रही मोतिन माला अधरों पे मुरली सजा रहे कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए कर घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए घायल टेढ़ी चितवन से मुस्कान से चैन चुराए हो भक्तों के सर ताज बिंदु हो भक्तों के सर ताज बिंदु हो भक्तों के सर ताज बिंदु भक्तों के सर ताज बिंदु राधा रानी के चेहरे सवेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा अपनी आंचल की छाया में करुणा मैं मुझे छुपा लो अपनी आंचल की छाया में करुणा मैं मुझे छुपा लो अपनी आंचल की छाया में करुणा मैं मुझे छिपा लो चल की छाया में करुणा में मुझे
छिपालो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश रमण तुम हो संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, हे रमण बिहारी तुम संग मेरे, हे रमण बिहारी तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे, प्राणेश रमण तुम संग मेरे। हे जन्म जन्म के फेरे कभी भूलू ना याद तुम्हारी प्रभु, तेरा नाम में सांझ सवेरे। कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम में सांझ सवेरे। राधा रमण मेरे, राधा रमण, राधा रमण मेरे। गंगा जी के तट पर बैठे हुए समस्त श्रोताओं को, वैष्णवों को, भक्तों को ऐसे प्रतीत हो रहा है कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। दृष्ट्वा भक्तिम अलौकिकीम, अलौकिक भक्ति को देखा भगवान ने, अपने भक्तों की अलौकिक भक्ति को जब देख लिया तो भगवान से नहीं रहा गया, तो उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होते ही समस्त भक्तों के हृदय में इतना हर्ष उल्लास प्रकट हो रहा है। भगवान ने अनेक प्रकार का वहां दर्शन सभी भक्तों को दिया। परमानंद चिन्ह मूर्ति मधुरो मुरली धरा, आविवेश स्वभक्तानाम
हृदयान्यमलानी चा।